नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल के सभी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल पे पे अभी जो आप नए अपडेट आया है, अगर आपने अपडेट कर लिए होंगे तो यार आपका ना वहाँ पे पहले जो व्यू बैलेंस का सेक्शन दिखा था सबसे नीचे, अगर आप आते थे स्क्रॉल अप करके, तो वहाँ पे अगर आपको है ना व्यू का जगह व्यू बैलेंस का सीन नहीं नज़र आ रहा है तो यार ये वीडियो है ना आपके लिए है। ठीक है, बहुत सारे मुझे कमेंट मिल रहे थे जो कि मैंने है ना दिवाली लास्ट 2019 की जो दिवाली फेस्टिवल में जो भी ट्रिक्स आई थी उसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो अपलोड की थी यार, वो जो जाके अब चल रहा है और वहाँ पे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि यार भाई हमारा जो व्यू बैलेंस का सेक्शन ही गायब हो चुका है। तो यार इधर आपको है ना ये सेक्शन मिलेगा कैसे, आप कैसे बैलेंस चेक कर पाओगे अपने गूगल ओपन जो गूगल पे के ऊपर। ठीक है यार, गूगल ओपन एंड रिवर्ट्स की वीडियो बनाते वही बोल रहा हूँ। ठीक है, गूगल पे के ऊपर आप कैसे जो है व्यू बैलेंस कर सकते हो, अपनी बैंक जो है जो अमाउंट चेक कर सकते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सर, ये जो डिमांड है ना बहुत ही ज़्यादा था, तो आपको चलो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देता हूँ। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ है यार, इसको इग्नोर मारो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हो ऑल ट्रांजैक्शन का जो है ऑप्शन मिल जाता है, रेफर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे ना व्यू बैलेंस का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यार इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, राइट साइड के ऊपर 3 डॉट मिलता है, वहाँ पे टैप करने के साथ साथ पेमेंट मेथड्स के ऑप्शन पर जाना है आपको। जैसे इस ऑप्शन पर जाते हो तो इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको है ना सबसे नीचे टैप करने के बाद फिर से आपको जो अकाउंट सेलेक्टेड अकाउंट दिखाई रहेगा, जो प्राइमरी रहेगा आपका अकाउंट, उसमें टैप करते हो ना, उसमें टैप करने के बाद आपको सबसे नीचे व्यू बैलेंस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से अगर आप टैप करते हो तो आपको जो है ना आपके जो बैलेंस है वो जो है बहुत ही आसानी से व्यू हो जाएगा। ठीक है यार, कुछ यूज़र्स के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम सर है, कुछ यूज़र्स को ये शो हो रहा है और कुछ यूज़र्स को ये शो नहीं हो रहा है। तो होप कि दोस्तों टोटली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें। यार बैकग्राउंड नॉइज़ है, उसको इग्नोर मार देना। ठीक है।